हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बेस्ट 5 ऐसे वैक्यूम क्लीनर की जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट आराम से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन एक वैक्यूम क्लीनर को बाय करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको वैक्यूम क्लीनर कौन सा लेना है, ड्राई लेना है या वेट एंड ड्राई लेना है, उसका सक्शन पावर कितना होना चाहिए, अटैचमेंट्स आपको वैक्यूम क्लीनर में कितने मिलते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको अस्थमा है या उड़ती हुई धूल से एलर्जी है तो ऐसे में आपको बैग वाला वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए या बैगलेस वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। अगर आप बैग वाला लेंगे तो वो कॉस्ट दिन ब दिन आपकी एड ऑन होती चली जाएगी जब आपके बैग का यूज़ खत्म हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज इन डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शर्त है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट वैक्यूम क्लीनर बताने से पहले दोस्तों मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक बेटर और एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर सेलेक्ट करने में। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर। तो बेसिकली वैक्यूम क्लीनर दोस्तों चार तरीके के आते हैं। पहला अपराइट या स्टिक वैक्यूम क्लीनर, दूसरा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, और तीसरा हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर, और चौथा दोस्तों मोस्ट फेमस जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रनिंग में है कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों इन सभी कैटेगरी के वैक्यूम क्लीनर के बारे में मैंने अपनी वैक्यूम क्लीनर की बाइंग गाइड का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन डेप्थ डिटेल में बात करी इन सभी वैक्यूम क्लीनर की यूज़ की, पर्पस की, क्या इनका रनिंग टाइम होता है, कौन सी बैटरी मिलती है और कौन से किस किस पर्पस के लिए बेस्ट है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे कॉमन और मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंडिया के अंदर कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर के अंदर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ड्राई एंड वेट एंड ड्राई। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर ड्राई क्लीनिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर कंसीडर कर सकते हैं, और वहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर ले जिससे आप दोनों तरीके की क्लीनिंग आराम से कर सके। इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर मोस्टली बड़े आते हैं साइज में, इनकी कोर लेंथ भी काफी अच्छी होती है, और इसमें आपको मल्टीपल अटैचमेंट मिल जाते हैं जिससे आप मल्टीपल टाइप्स की क्लीनिंग कर सकते हैं, चाहे आपको सोफा क्लीन करना हो, कारपेट क्लीन करना हो, फ्लोर क्लीन करना हो, कर्टन क्लीन करने हो, अपनी वॉल क्लीन करनी हो, व्हाटएवर, आप इससे हर तरीके के काम कर सकते हैं। इवन आप अपने कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर को कैरी करके बाहर ले जाके अपनी कार तक को साफ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो होते हैं कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों ये तो वो बेसिक नॉलेज थी वैक्यूम क्लीनर की कि कितने टाइप के वैक्यूम क्लीनर आते हैं और किन किन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपकी हेल्प करेंगे एक बेटर वैक्यूम क्लीनर सेलेक्ट करने में। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर हेपा फिल्टर। बेसिकली हेपा फिल्टर आपको एसी के अंदर भी मिल जाता है, वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी मिलता है। बेसिकली जो हेपा फिल्टर होता है ये 0.3 माइक्रोन के डस्ट पार्टिकल तक को भी कैप्चर कर लेता है। जब आप क्लीनिंग करते हैं धूल उड़ती है तो ये जब फिल्टर रन होता है तो जो आपकी एयर पास होती है फिल्टर से वो तो क्लीन हो जाती है, साथ में जो एयर में मौजूद आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं वो कैप्चर कर लिए जाते हैं इस हेपा फिल्टर के थ्रू, जिसे आप आराम से निकाल के वापस से क्लीन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों सक्शन पावर ऑफ वैक्यूम क्लीनर। बेसिकली वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर को मेजर किया जाता है किलो पास्कल यूनिट में, यानी कि 1 kPa इजिकल्स टू 1000 यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जितना ज़्यादा आपका kPa होगा उतना ही ज़्यादा आपके वैक्यूम क्लीनर का सक्शन पावर होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक वैक्यूम क्लीनर को बाय करने से पहले। थर्ड पॉइंट है दोस्तों ब्लोअर फंक्शन। बेसिकली ये फीचर तब काम आता है जब आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपका सक्शन पावर काम नहीं आ रहा है, तब आप ब्लोअर फंक्शन की हेल्प से वहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर आपको मोस्टली वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर में देखने को मिलता है, ड्राई वैक्यूम क्लीनर में आपको ब्लोअर का फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वेरिएबल स्पीड कंट्रोल फीचर, और ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक वैक्यूम क्लीनर को बाय करते वक्त। मान के चलिए कि आपका एक 2000 वॉट का वैक्यूम क्लीनर है तो वो हमेशा अपनी 2000 वॉट की पीक पावर पे काम नहीं करेगा, वो कभी 1200 वॉट पे काम करेगा या 1400 वॉट पे काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है वेरिएबल स्पीड कंट्रोल फीचर पे। ये फीचर आपको अलाउ करता है कि आप अपने वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके क्लीनिंग कर सकते हैं। और एक कैच यहाँ पर ये है कि दोस्तों आपको वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का फीचर मोस्टली ड्राई वैक्यूम क्लीनर में देखने को मिलता है, वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर में आपको वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों ड्राई वैक्यूम क्लीनर और वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन सा वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं या वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं। वेट एंड ड्राई का एडवांटेज ये हो जाता है दोस्तों कि आप इससे दोनों टाइप की क्लीनिंग आराम से कर सकते हैं। मैं होता तो ऑफकोर्स ही
साथ है, एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर ही कंसीडर करता अपने घर के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, बैगलेस वैक्यूम क्लीनर या रिप्लेसेबल बैग वैक्यूम क्लीनर। बेसिकली अगर आपके घर में किसी को एलर्जी है या अस्थमा है तो ऐसे में आपको एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर कंसीडर करना चाहिए। और वहीं बात करूं रिप्लेसेबल बैग वाले वैक्यूम क्लीनर की, तो रिप्लेसेबल बैग वाला वैक्यूम क्लीनर आपके वैक्यूम क्लीनर की कॉस्ट को एड ऑन ही करता चला जाएगा। जब आपका बैग का यूज़ ख़त्म हो जाएगा फिर से आपको नया बैग ऑर्डर करना पड़ेगा अपने वैक्यूम क्लीनर के यूज़ के लिए। तो ये चीज़ वेरी करती है कि आपके वैक्यूम क्लीनर का जो मॉडल है वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपके बैग का प्राइस होगा। तो वो प्राइस आपके वैक्यूम क्लीनर के वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम टू टाइम धीरे धीरे ऐड होता चला जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मार्केट में आपको कुछ ऐसे वैक्यूम क्लीनर भी मिलते हैं जिनमें आपको वॉशेबल डस्ट बैग देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं एक वैक्यूम क्लीनर को बाय करने से पहले मोस्टली बैग के बारे में। सेवेंथ पॉइंट है दोस्तों, अटैचमेंट्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर। बेसिकली एक वैक्यूम क्लीनर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं उसके अटैचमेंट्स आफ्टर द सक्शन पावर। क्यों? क्योंकि सारा खेल ही अटैचमेंट्स का है आपकी क्लीनिंग के लिए। आपको सोफे क्लीन करने हैं, कर्टन क्लीन करने हैं, वॉल क्लीन करनी है, फ्लोर क्लीन करना है, कारपेट क्लीन करना है या अपनी कार क्लीन करनी है, तो ऐसे में वैक्यूम क्लीनर के साथ आने वाले जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको एक बार ज़रूर चेकआउट करें और आपकी नीड और वांट्स के हिसाब से वैक्यूम क्लीनर के अंदर अटैचमेंट्स देखें। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि वैक्यूम क्लीनर बाय करने से पहले उसकी कोड लेंथ चेक करना मत भूलिएगा। एट पॉइंट है दोस्तों, नॉइस लेवल ऑफ वैक्यूम क्लीनर। बेसिकली अब जब भी वैक्यूम क्लीनर बाय करते हैं उसके नॉइस लेवल ज़रूर चेक कर लीजिए। मान के चलिए कि आपके वैक्यूम क्लीनर के नॉइस लेवल 60 डीबी है, तो वो 60 डीबी नहीं होंगे एक्चुअल में, वो होंगे 67 डीबी, 68 डीबी या 70 डीबी। क्यों? क्योंकि जिस रूम में उस वैक्यूम क्लीनर को टेस्ट किया जाता है वहाँ के वैक्यूम क्लीनर के जो नॉइस लेवल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारे रूम के लेवल से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेस्ट कंडीशन में उसे चेक किया जाता है। और वहीं अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर को बंद कमरे में यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है आपको नॉइस लेवल ज़्यादा फील होंगे, ज़्यादा सुनाई देंगे। और वहीं आपके रूम में एग्जिट पॉइंट ज़्यादा है, विंडो ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको नॉइस लेवल के अंदर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप एक वैक्यूम क्लीनर बाय करते हैं उसके नॉइस लेवल जरूर चेक कर लें। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। तो वारंटी तो आपको वैक्यूम क्लीनर पे 1 to 2 years की देखने को मिलती है, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन बात करूँ आफ्टर सेल सर्विस की, तो वैक्यूम क्लीनर को आप दोस्तों लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ करते हैं और इन फ्यूचर कभी भी आपके वैक्यूम क्लीनर में प्रॉब्लम आ गई तो आप नियर बाय सर्विस सेंटर भी कंफर्म कर ले एक वैक्यूम क्लीनर को बाय करने से पहले। क्यों? क्योंकि आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको जान लेने चाहिए थे एक वैक्यूम क्लीनर को बाय करने से पहले, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट और अच्छा वैक्यूम क्लीनर सेलेक्ट कर पाएं। अब बात करते हैं बेस्ट वैक्यूम क्लीनर की मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट की। तो यहाँ पर बेस्ट कैटेगरी वाइज ड्राई वैक्यूम क्लीनर और वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो में मैं उनके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे एक वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।